हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं अपनी नानी के घर। हम दिखाएंगे आपको अपना नानी का घर। नानी का घर, और ये मेरी माता श्री पीछे जो कमरे बंद कर रहे हैं। बस अब हम घर से निकलने ही लगे और मौसम बारिश वाला हो गया। क्या पता रोड बंद भी हो सकते हैं, क्या पता हमें फिर से वापस घर लौटना पड़े। पर हम लौटेंगे तो नहीं, पर देखते हैं रास्ते में हमें क्या मिलता है। मम्मी बस कितने बजे मिलनी? 1:35। और हम कितने बजे जा रहे हैं? 11 बजे। देखते हैं हमें क्या मिलता है। कि मेरी कहीं जूती टूट ना जाए तो मैं फिर से घर आ गई जूती चेंज करने के लिए, क्योंकि ये ना इधर ये इधर से निकलने वाली है, तो मैं चप्पल पहनने वाली हूँ। मेरे पास चप्पल भी नहीं है, पहले मैंने दूसरी चप्पलें पहनी थी, जूती डाली थी, अब मैंने ये डाल दी। ये चलेगी है, मेरे को भी दौड़ के जाना पड़ेगा यार, कहीं ये भी ना टूट जाए। बस यही डर है, गंजी टूटनी नहीं चाहिए। हमारे साथ हमारी नानी के घर जा रही है, वो हमारे आगे आगे चल रही है। वो बोल रही है कि मैंने देखना है आपकी नानी का घर, मुझे भी चला। वो दिख रही है वो, ये बोल रही है मैं आगे आगे चलती हूँ, तुम पीछे पीछे चलो। इसको मैं अपने बस में बिठा के ले जाना नानी के घर। आपको ये तो बताया नहीं कि हम नानी के घर क्यों जा रहे हैं। हम नानी के घर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उधर है रिटायरमेंट मम्मी के जीजू की, नानी के घर के पास ही है। इतनी गर्मी चाहिए, पानी में बैठ गई है। पानी में मिस्टर क्या कर रहे हो आप? छोड़ क्या लेते हो बोलो। ये पानी का क्या बोलते हो मम्मी, क्या बोल लेते हो? छोड़ कुछ ऐसा बोलते हैं, मेरे को भी पता। पर हमारी मिस्टर को इतनी गर्मी है, वो पानी के अंदर बैठी। वो पीली वाली हमारी बस है जिसमें हम अभी जाने वाले हैं। हॉर्न बजा रही है, तीन तीन तीन। ओह, 3 घंटे वेट करने के बाद आई बस, पता है। अब हम उतरेंगे स्लेटर में। तो अभी पहुंच गए हम अपनी नानी के गांव में, जहाँ पे बहुत सारी खड्डे हैं। बहुत सारी नहीं, एक ही खड्डा। मैं आपको गांव दिखाती हूँ, ठीक है? वो ऊपर तक चढ़ना है। हमने गिफ्ट जो हमने नाना जी को देनी है। मैं रास्ते में चलते चलते नाक मिली है, मेरी मम्मी इनको उतारने नहीं दे रही। मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी है। मैंने एक उतार ली। बहुत स्वाद है, केले भी लगे हैं पेड़ में। आगे नींबू का पेड़ भी है। मैं सोच रही हूँ पूरा बैग मैंने भर के ले जाना कुछ ना कुछ से। ये इतनी स्वाद लग रही है ना, आह मज़ा आ गया। बहुत ज़्यादा भूख लग रही, अभी बहुत चढ़ाई है हमें चढ़ने को। वो लास्ट तक जाना है हमें। बैठ बोझ, आम भी लग गया इधर। पीछे आरू का पेड़ था, जाते वक्त हम सब कुछ लेके जाएंगे झोली भर के। चुप, ऊपर काला कुत्ता है हमें भौंकला है। बहुत गंदा रिश्ता है इधर।
हमें चप्पल उतारनी पड़ रही है क्योंकि आगे पानी पानी है। ये धान लगाया गया रूनी, जिसको हम बोलते हैं रूनी। अभी हमें ऊपर तक नंगे पैर चलना पड़ेगा क्योंकि ऊपर तक बहुत पानी है। इसको बोलते हैं कुल कूल, हाँ, जिससे खेतों में पानी जाता है। गांव में सभी धान भी लगा रहे हैं, सभी मतलब धान लगा रहे हैं, और हमारे यहाँ अभी तक कोई धान ही नहीं लगा रहा। हम भी जाएंगे खेतों में तब दिखाएंगे आपको धान कैसे लगाए जाते हैं। नहीं, आपको तो पता ही हो ना, जिसको पता है धान कैसे लगाए जाते हैं, रूनी, जिसको हम बोलते हैं रूनी लगाना। मैं बहुत बकवास करती हूँ, आप बोर नहीं होते मेरी बकवास सुन सुन के? कोई नहीं, सुन लिया करो। इधर लोग रूनी लगा रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो सामने घर दिख रहा है, इस घर में है हमें रिटायरमेंट। मेरे बच्चू है वो, मेरी पुरानी कभी आ चला 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 निकला हूँ, चल गया से क्यों नहीं रख रहा मुझे हमारा साथ आएगा। अभी हम आ गए वापिस अपने घर, और अभी हम अपने घर की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। मेरी मम्मी को रास्ते में चलते चलते भी आम खाना है, बहुत थक गया। बस घर पहुंचने की देरी थी, हमारी चप्पल भी टूट गई है। इसने अपना मुंह खोल दिया है कि बस शालू अब हमसे होर नहीं होगा, तू नई चप्पल ले ले। अब इसलिए मम्मा आप हमें नई चप्पल लेके दोगे ना? अब हम ले गए नई चप्पल, मम्मा टूटी गई पूरी है। घी पहुंच गई आप गले, क्या है तू करो है? क्या है तू करो मिस्टी? तू इतनी डर गई है ना, बाहर पटाखे लग रहे थे, ये भाग के अंदर आ गई, अब ये इधर से जा ही नहीं रही है। मिस्टू उठ, नहीं खांदा कोई चीजो। ये ना शेर से डर गई है क्योंकि इसका बच्चा ना शेर ने खा लिया है, जिसका नाम बिशु था, जिस दिन मैं आई थी उसके पिछले दिन ही उसको खा दिया था। हेलो मम्मी, तो अभी जा रहे हैं मैं और मेरी मम्मी ताई के घर, क्योंकि भाई की शादी है और मम्मी जा रहे हैं उधर गीत गाने। परसों है शादी, हम आपको दिखाएंगे अपने गांव की शादी। तो बाहर अंधेरा हो चुका है क्योंकि रात के बजे है 9, और अभी हम जा रहे हैं मैं और मम्मी जी। कृति घर पे ही रहेगा, बापू भी घर पे ही रहेगा, बस मैं और मम्मी जाएंगे। चांद, हेलो चांद जी। मेरा शादी का घर जहाँ पे पूरी डेकोरेशन हो गई है 3 दिन पहले ही।
मैं अभी सो गई थी तो मैं अभी अभी उठी हूँ कि मैंने व्लॉग एंड नहीं किया है, तो मैं बता दूँ कि मैं घर आ गई हूँ और अभी मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग में बने रहना और मेरा अगला व्लॉग जरूर देखना, और इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।